इस रमज़ान के महीने को रमज़ान का महीना कहा है और इतनी बरकतों से और इतनी अहमियत दी है, इसकी बड़ी वजह कुरान करीम है। अगर कुरान इस महीने में ना नाजिल होता तो शायद ये फजीलत जो रमज़ान को मिली है वो फजीलत उसे ना मिलती। अल्लाह इसका जिक्र करते हुए कहता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, वो रमज़ान जिसके आने का इंतज़ार हर मुसलमान करता है, जिसके आने पर खुशी दिल में हर मोमिन महसूस करता है, यही वो रमज़ान है जिसमें हमने कुरान करीम को नाजिल किया। अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाज़ा इस पर बंद कर दिया है कि वह नमाज जिसके बारे में अल्लाह के नबी कहा करते थे, ऐ बिलाल अजान दो और इस नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। कुरान के बारे में अल्लाह कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि इस कुरान की तिलावत के जरिए दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करने वाला अल्लाह ताला के नज़दीक जिंदा है, और जो आदमी अल्लाह का जिक्र नहीं करता वह मुर्दे के मानंद है। ये सारी हदीसें कुरान की आयतें सही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी आदमी को नमाज के ना सुकून मिलता है, ना कुरान की तिलावत के जरिए सुकून मिलता है, ना अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, तो कहीं मान लीजिए कि अल्लाह ने अपने रहमत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजीलत बख्शी है जो फजीलत दीगर किसी चीज को नहीं अता की गई। अल्लाह कहता है, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, कि बेशक हमने इस कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजें नाजिल की हैं जो मोमिनों के लिए उनके दिलों के लिए शिफा है, उनके जिस्मों के लिए शिफा है, और इसी तरह उनके लिए रहमत है, जबकि एक जालिम इंसान सिवाय इसके नुकसान के कुछ नहीं उठाता। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن। तमाम किस्म की हमद व सना, बड़ाई किबरियाई, तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने सारी कायनात को आदम से वजूद बख्शा। दरूद नाजिल हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जिन्हें अल्लाह सुबहानहु व ताला ने अपनी अपनी कौमों तक हादी व रहबर बनाकर भेजा, खुसूसन हमारे और आपके आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी पर, जिन्हें अल्लाह सुबहानहु व ताला ने एक ऐसी शरीयत से नवाजा जो शरीयत रात की तारीकी में भी दिन की तरह वाज़े और रोशन है। महतरम हाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना ये अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक मुकद्दस और बाबरकत महीनों में शुमार होता है। इस महीने की इबादत अल्लाह को पसंद है, इसी वजह से अल्लाह इस महीने में की गई इबादतों का बदला भी बढ़ा कर देता है। यहाँ तक कि हदीस के अंदर एक इंसान का जिक्र किया गया जो नेक था और उसका एक दूसरा भाई था जो उतना नेक नहीं था, सिर्फ एक रमज़ान का पाना वो अपने भाई पर फजीलत ले जाता है। आपने हदीस बारहा सुनी होगी। महतरम हाज़रीन, बड़े मुबारक हैं वो लोग जो इस रमज़ान के महीने को पाकर इसके हक को अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, दिल में नीयतें रखते हैं और नमाजों की पाबंदी हो,
اللہ کے ذکر کی پابندی ہو، تلاوت قرآن ہو، ہر اعتبار سے اپنے دل کو اس رمضان کے اندر زندہ رکھ کر اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کا بڑا گہرا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید سے اس رمضان کا تعلق کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا ہے اور اتنی برکتوں سے اور اتنی اہمیت دی ہے، اس کی بڑی وجہ قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن اس مہینے میں نہ نازل ہوتا تو شاید یہ فضیلت جو رمضان کو ملی ہے وہ فضیلت اسے نہ ملتی۔ اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان جس کے آنے کا انتظار ہر مسلمان کرتا ہے، جس کے آنے پر خوشی دل میں ہر مومن محسوس کرتا ہے، یہی وہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیں کہ بعض شارحین نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض و روزے عائد کیے ہیں، اس کے بہت سارے مقصد ہیں۔ ایک بڑا مقصد رمضان کے مہینے میں روزے کے فرض کرنے کا یہ بھی ہے تاکہ انسان جب روزہ رہے تو کھانے پینے اور جو دیگر شہوتیں ایک انسان جو مرد و عورت کے پاس ہوتی ہیں، اس سے انسان آزاد ہو جائے، اس کا دل پاک ہو جائے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اس رمضان میں وہ قرآن کریم سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ گویا یہ رمضان انسان کے دل کو روزوں کے ذریعے پاک کر رہا ہے تاکہ اس مہینے میں جو قرآن کو نازل کیا گیا، جس قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کی جاتی ہے، اس تلاوت سے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ یہ مہینہ، اس کا تعلق قرآن سے اتنا گہرا ہے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دل کی سلامتی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان قیامت کے دن آئے گا، روزے، نمازیں اور دنیا کی ہر قسم کی عبادتیں لے کر آئے گا، مگر دل کے اندر گندگی لے کر آئے، دل کی سلامتی نہ لے کر آئے، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ لوگ قیامت کے دن مال و دولت، آل و اولاد اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے ثواب لے کر آئیں گے، مگر کامیاب صرف وہ ہوگا جو دل کی سلامتی کو لے کر آئے گا۔ یہ قرآن مبارک، یہ قرآن کریم دل کی سلامتی کا بہترین ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، غور سے سنو اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین حدیث، ایک بہترین گفتگو تم پر کتاب کی شکل میں نازل کی ہے۔ وہ قرآن کریم جو آپس میں، معانی میں، احکام میں ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، لوگ جب دل کی سلامتی کے ساتھ، دل کو پاک و صاف رکھ کر، ہر قسم کے عیب سے اپنے آپ کو دور رکھ کر جب اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ان کے رب کا ڈر ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ذالک ھدى اللہ، اور جان لو کہ قرآن کی تلاوت سے، اس کے معانی، اس کے تدبر سے انسان کے جو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت صرف قرآن کریم کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہوتا جے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کرتے، جو قرآن نازل ہو چکا تھا رمضان کے مہینے میں آتے اور مدارسہ چلتا، دوبارہ اعادہ چلتا۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں تراویح کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بطور نفل رکھا، اور قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت اسی تراویح کے اندر کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، بلکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ قرآن کا تعلق اگر رمضان سے تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھو کہ دن بھر ایک بندہ تنے تنہا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسے ہی رات ہو جاتی ہے، تراویح کا وقت ہو جاتا ہے، اللہ اجتماعی طور پر بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا اور قرآن کے سننے کا پابند مومنوں کو بناتا ہے۔ یقیناً یہ رمضان، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ رمضان کا مہینہ سال بھر باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان شروع ہوا، آج چوتھا پانچواں روزہ شروع ہو گیا۔ رمضان یقیناً ایک گنے چنے دن ہے، یہ دن ان لوگوں کے لیے رکتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عام زندگی گزارتے ہیں یہ دن ان کے لیے گنتی کے ہیں، یہ انہیں انگلیوں میں گن سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، لیلۃ القدر کی رات یہ عظیم الشان رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا، بلکہ قرآن میں ایک سے جگہ کئی مقامات پر اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
कि हमने इस कुरान को बड़ी बाबरकत रात में नाजिल किया है, इन्ना कुन्ना मुंदरीन, और बेशक इसके जरिए हम लोगों को डराने वाले। यकीनन लैलतुल कद्र की एक रात की इबादत हजार महीनों की इबादत पर अफजल है। वजह क्या है? क्योंकि इसी रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। महतरम हाजरीन, अब आपसे आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये रमजान ये कुरान का महीना है, कुरान को पढ़ने का महीना है, कुरान को सुनने का महीना है, ये इसके मायने और उसके तफसीर को सुनकर तदब्बुर करने का महीना है, कुरान के नसीहतों को लेकर अपनी जिंदगी में नाफिज करने का महीना। महतरम हाजरीन, अगर बात कुरान की जाए, यकीन जानिए कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजीलत बख्शी है जो फजीलत दीगर किसी चीज को नहीं अता की गई। अल्लाह कहता है وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, कि बेशक हमने इस कुरान में बहुत सारी ऐसी चीजें नाजिल की हैं जो मोमिनों के लिए, उनके दिलों के लिए शिफा है, उनके जिस्मों के लिए शिफा है, और इसी तरह उनके लिए रहमत है, जबकि एक जालिम इंसान सिवाय इसके नुकसान के कुछ नहीं उठाता। बात अगर कुरान की फजीलत की जाए, कुरान करीम की अहमियत की जाए, कुरान करीम को अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ ऐसा शरफ बख्शा है, कुरान की तिलावत हो, उसके माने मफहूम को समझना हो, इस इबादत को कुछ ऐसी खसूसियतें हासिल हैं जो दीगर इबादतों को नहीं है। सबसे पहली बात कि जो आदमी कुरान को पढ़ता है और इसके माने मफहूम को समझता है, इस पर अमल करता है, अल्लाह ताला अर्श से उस आदमी की गारंटी लेता है। अल्लाह ताला गारंटी लेता है कि ये ना दुनिया में गुमराह होगा ना आखिरत में रुसवा होगा। किसकी गारंटी अल्लाह लेता है? जो कुरान को पढ़ता है, उसके माने को समझता है, उस पर तदब्बुर करता है और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। आप बताइए कि अल्लाह ताला ने इतनी इबादतें हम पर फर्ज की हैं, किस इबादत के बारे में अल्लाह ने ऐसी गारंटी ली है? जो गारंटी कुरान के हवाले से अल्लाह ने ली है। अल्लाह फरमाता है फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला यदिल्लु वला यशका। अल्लाह कहता है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो अल्लाह ने कहा कि अगर हमारी जानिब से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए तो सुन लो कि जो इस हिदायत की इत्तबा करेगा, उससे नसीहत हासिल करेगा, वो आदमी ना गुमराह होगा ना ही वो आदमी बदबख्त होगा। इमाम इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि गोया अल्लाह ताला ने किफालत की, अल्लाह ताला उसका कफील बन जाता है जो कुरान की तिलावत करता है, उस पर अमल करता है कि वो दुनिया में कभी गुमराह नहीं हो सकता। जिसने कुरान की तिलावत को, उस पर अमल करने को लाजिम पकड़ लिया, ना वो कभी दुनिया में गुमराह होगा और जब आखिरत का वक्त आएगा तो ना ऐसा कभी आखिरत में रुसवा होगा। दूसरा अहम फायदा इस कुरान की तिलावत का, उस पर अमल करने का, आप जानते हैं कि जो नमाजें हम पढ़ते हैं, जो सदकात हम करते हैं, क्या इसके कबूल होने की कोई गारंटी है? क्या ये कबूल हो गए हैं, इसकी कोई निशानी है? कोई जरूरी नहीं कि इंसान की इबादत कबूल की जाए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे कबूल करे, जिसे चाहे अल्लाह रद्द करे। मगर कुरान करीम के हवाले से अल्लाह ताला ने इस बात की भी गारंटी दी कि जो कुरान की तिलावत करेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह उसके सवाब को जाय नहीं करेगा, अल्लाह उसका सवाब जरूर लिखेगा, चाहे वो इखलास के साथ पढ़े या किसी गैर के साथ। बल्कि कुरान की तिलावत ये इतनी अजीम शान है कि इखलास की वजह से इसका सवाब बढ़ता जाता है, वरना इसका सवाब अल्लाह के यहां तय है। अल्लाह ताला कहता है इन्नल लदीना यतलूना किताब अल्लाह व अकामुस सलाता व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर, कि बेशक जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, और अल्लाह ने जो रिस्क दिया है लोगों के सामने दिखाकर और छुपकर खर्च करते हैं, वो अल्लाह के साथ एक ऐसी तिजारत कर रहे हैं, वो अल्लाह के साथ एक ऐसी डील कर रहे हैं जिस डील में, जिस तिजारत में कभी नुकसान नहीं, इस तिजारत में कभी नुकसान नहीं। बल्कि इमाम इब्ने कसीर कहते हैं अयरजून सवाबन लाबुद्द मिन हुसूलिही, बल्कि इब्ने कसीर कहते हैं कि बल्कि अल्लाह ताला से वो सवाब की ऐसी उम्मीद रखते हैं जो सवाब इनको जरूर दिया जाएगा। गोया कुरान की तिलावत का सवाब, जैसे ही आप इसकी तिलावत करेंगे, इस पर अमल करेंगे, इसका सवाब तय। मोहतरम हाजरीन, बहुत सारे लोग अपने आप को अल्लाह वाले कहते हैं, लोग अवलिया अल्लाह कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को कहते हैं तो कुछ लोग किसी गैरों को कहते हैं, लेकिन कुरान वाले हकीकत में ये अल्लाह के अवलिया है, कुरान वाले ये अल्लाह वाले हैं। हो सकता है कि एक आदमी जिसने 40-50 साल अल्लाह के दीन की खिदमत की हो, नमाजें पढ़ी हो, रोजे और हज किए हो, मगर वो अल्लाह वाला ना हो, लेकिन कुरान वाला ये हमेशा अल्लाह वाला होता है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं लिल्लाहि मिनन्नासी अहलून, के लोगों में कुछ लोग अल्लाह वाले,
लोगों में कुछ लोग अल्लाह वाले हैं। तो सहाबा ने पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी ये तो बताइए कि ये अल्लाह वाले कौन हैं जो लोगों में गिने चुने हैं और अल्लाह ताला इनको पसंद करता है। आपने कहा, अहलुल कुरान अहलुल्लाह व खासतहु, कि कुरान वाले जो कुरान को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं और इसी तरह कुरान को अपनी हिर्ज़े जान बनाते हैं, ऐसे लोग अल्लाह वाले हैं और ये अल्लाह की खास बंदे, अल्लाह की खास इनायत इन पर रहती है। महतरम हाजरीन, ये कुरान वो अदीमुशान किताब है कि जिसने इस कुरान को पकड़ा अल्लाह ने उसे इज्जत दी, जिसने इस कुरान को अपने सीने में जगह दी अल्लाह ने दुनिया में उसका मकाम बुलंद किया है, और जिसने, चाहे वो इंसान हो या कौम हो, जिसने इस किताब को छोड़ा अल्लाह ने ऐसी कौम को और ऐसे इंसान को दुनिया और आखिरत में जलील रुसवा कर कर रखेगा। इसलिए हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताबी अक़वामन वयज़ऊ बिही आखिरीन, कि बेशक अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों के मकाम को बुलंद कर देता है और छोड़ने वालों को अल्लाह पस्ती में उतार देता है। अगर इसकी मिसालें देखना चाहें कुरान और हदीस में, खुसूसी तौर पर तारीख के अंदर बेशुमार ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी जो मिसालें बताती हैं कि जिन लोगों ने कुरान को अपनाया, अगर चाहे वो दुनिया में गरीब थे, जिस्म के एतबार से बहुत सारे नुक्स और ऐब के मालिक थे, मगर सिर्फ जिन्होंने कुरान को अपनाया अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारों को बड़ी इज्जत बख्शी। बड़ा मशहूर किस्सा इबन अबी अब्ज़ा का है, नाफे बिन अब्दुल हारिस हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु ने इनको मक्का का गवर्नर बनाया था। मकाम उस्फान पर जब हज़रत उमर आए तो उन्होंने हज़रत नाफे बिन अब्दुल हारिस को मक्का से बुलाया ताकि मक्का के जो रिपोर्ट है वो उनसे ले सकें। नाफे बिन अब्दुल हारिस जब हज़रत उमर के पास आए तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उनसे पूछा कि तुम मक्का के सरदार हो, तुम मक्का के गवर्नर हो, तुम यहाँ हो, तो मक्का में तुमने किसको अपना नायब बनाया, अपना जानशीन तुमने मक्का में किसको बनाया है? तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं कि मैंने इब्ने अबी अज़्ज़ा को अपना नायब बनाया। तो हजरत उमर इनको नहीं जानते थे कि इब्ने अब्ज़ा कौन है। कहा कि कौन इब्ने अब्ज़ा? कहा अब्दुल रहमान इब्ने अबी अब्ज़ा, जो मेरे गुलामों में से एक गुलाम है। हजरत उमर ताज्जुब करने लगे कि तुम मक्का के सरदारों पर अपने गुलामों में से एक गुलाम को सरदार बनाकर आ गए, ये कितनी अजीब बात है। तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं कि जो गुलाम है जाहिरी तौर पर जिसका जिस्म किसी और की मिल्कियत में है, आर्दी मिल्कियत में है, लेकिन ये गुलाम कुरान वाला है, ये फराइज का इल्म रखता है, ये कुरान की तिलावत करता है, कुरान पर अमल करता है, इसीलिए मैंने मक्का के सरदारों पर इसको सरदार बनाया। हजरत उमर ने जैसे ही ये बात सुनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद करते हुए कहा, जी हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताबी अक़वामा, बेशक अल्लाह इस कुरान को अपनाने की वजह से बहुत सारी कौमों को इज्जत देता है। जाहिरी तौर पर वो गुलाम था, ये सामान लाओ वो ले जाओ, इसके लायक वो गुलाम था, लेकिन कुरान को अपनाना सारे मक्का पर उसकी सरदारी को साबित कर देता है। महतरम हाजरीन, यही बात जान लें, इधर अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि दिमिश्क के अंदर बैठे हैं। आप जानते हैं कि इब्ने अब्बास ये मुफस्सिर कुरान है। जब हजरत इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर करते, अरब के बड़े बड़े सरदार, वक्त के गवर्नर सब आकर मजलिस में बैठे रहते, सब के सब मजलिस में बैठते, सिर्फ एक ही कुर्सी थी जो हजरत इब्ने अब्बास के लिए लगाई जाती जिस पर वो बैठा करते थे। जब इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु एक मरतबा बैठे थे, अचानक एक शख्स आया जो दूर से नजर आया तो हजरत इब्ने अब्बास ने उस शख्स को इशारा करते अपने करीब बुलाया। बड़ा दूर था, हजरत इब्ने अब्बास ने बुलाया, वो आदमी लोगों की गर्दनों को फांदते फांदते हजरत इब्ने अब्बास के पास आया तो हजरत इब्ने अब्बास ने कुर्सी में थोड़ी सी जगह बनाई और उसने अपने साथ बिठाया। हजरत इब्ने अब्बास ने कुर्सी में जगह बनाई और उस शख्स को अपने पास बिठाया। उस शख्स का लिबास मामूली था और अक्सर लोग उस इंसान को जानते नहीं थे। लोगों ने ताज्जुब किया कि अरब के सरदार यहाँ मौजूद हैं, वक्त के हुकूमत के बड़े सरदार गवर्नर मौजूद हैं, मगर हजरत इब्ने अब्बास ने किसी को अपनी कुर्सी पे साथ में नहीं बिठाया, मगर ये आदमी जिसको लोग जानते भी नहीं है, इसको हजरत इब्ने अब्बास ने कैसे कुर्सी पर बिठाया? जब ताज्जुब की निगाहें हजरत इब्ने अब्बास ने लोगों की आंखों में देखी तो जवाब देते हुए कहा, लैस अहदुन बाद सहाबती अअलमु बिल कुरान मिन अबुल आलियत व सईद बिन जुबैर, कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि सहाबा के बाद हजरत अबुल आलिया जो मेरे साथ कुर्सी में बैठे हैं और सईद बिन जुबैर, इन दोनों के अलावा कुरान की तफसीर कोई बेहतर कर सकता है।
کہنے لگے کہ صحابہ کے بعد یہ جو شخص ابو العالیہ بیٹھے ہیں ان کے علاوہ سعید بن جبیر کے علاوہ میں نہیں جانتا کہ قرآن کا بہترین کوئی علم رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، یقیناً ابو العالیہ یہ لوگوں میں پہچانے نہیں جاتے تھے مگر علم والے ان کو جانتے تھے، تو لہذا حضرت ابن عباس نے وقت کے بڑے بڑے سرداروں پر ابو العالیہ رحمہ اللہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے، یہ بھی مفسر قرآن ہے، فقیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ عراق میں تھے، قرآن کی تفسیر کیا کرتے، بہت ساری بڑی مجلس ان کے تفسیر کو سنا کرتے، ان کی تفسیر کو سنا کرتی تھی۔ اس کے اندر خصوصی طور پر 5 لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو بعد میں جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بنے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کرسی کے یہ جا کر آگے مالک بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب انتقال ہو گیا، یہی لوگ باری باری اس کرسی پر بیٹھ کر تفسیر کیا کرتے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے عبید اللہ بن عمر کا اور حارث بن عبداللہ کا، یہ دو لوگ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں پیدائشی طور پر یہ ایک آنکھ سے خراب تھے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے اعور، یعنی انسان ایسا جس کی ایک آنکھ خراب ہو، دونوں آنکھ کے اعتبار سے عیب دار تھے۔ ایک اور ایک شخص جن کا نام مسروق بن اجدع تھا، تفسیر میں اکثر ان کا نام ہم سنتے ہیں۔ مسروق بن اجدع کے بارے میں آتا ہے ان کو احدب نام کی بیماری تھی۔ احدب کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی پیٹھ اوپر ہو جائے، گردن جھک جائے اور منظر بڑا خوفناک نظر آئے۔ تو حضرت مسروق بن اجدع یہ تیسرے بڑے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علقمہ بن قیس، ان کا ذکر آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپاہج تھے، دونوں ہاتھ ٹیڑے، دونوں پیر ٹیڑے۔ اس کے علاوہ شریح بن حارث کا نام آتا ہے جو بچپن سے گنجے تھے، جن کے سر پر کوئی بال نہ تھے۔ بہت سارے لوگ تفسیر حضرت عبداللہ بن محسوس سے سنا کرتے، مگر خصوصی طور پر ان 5 لوگوں نے جو ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے کسی نہ کسی عیب میں ہے، کسی کی آنکھ کانی ہے، کوئی سر کا گنجا ہے، کوئی کیا ہے، ہاتھ پیر کا ٹیڑھا ہے، بلکہ حضرت مسروق تو دیکھتے بڑے خوفناک منظر نظر آتے، احدب نام کی بیماری میں تھی۔ مگر یہی قرآن تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہی عیب دار لوگوں سے بڑھ کر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے والا نہیں تھا۔ لوگ ان کو دیکھ کر گھبرا جاتے، مگر ان کا علم تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابی رسول تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد اس کرسی کے مالک یہ بنے اور جا کر جگہ جگہ وقت کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یقیناً قرآن نے کتنوں ایسوں کو عزت دی، بڑے گھر والے، بڑے خاندان والے، نامور لوگ ہوتے ہیں، مگر قرآن کی تلاوت کے لیے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے جو کسی قریے سے آتا ہے، جس کا نام وہ لوگ نشان تک نہیں جانتے۔ قرآن ایسی ہی کتاب ہے، جس نے قرآن کو اپنایا، قرآن نے انہیں عزت بخشی ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کے اگر مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر قرآن کے نام ذکر کیے ہیں کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 55 سے زیادہ نام دے کر رکھے، قرآن میں اللہ نے خود قرآن کے 55 سے زیادہ نام دے کر رکھے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو خود کتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مختلف ناموں سے انہیں پکارا ہے۔ بات اگر قرآن کے حفظ کی جائے، یقیناً یہ ہر مسلمان کا، چاہے مرد ہو یا عورت، بنیادی حق ہے کہ وہ قرآن کو یاد کرے۔ قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کو یاد کیا جائے، سینے میں جگہ دی جائے، اور بڑے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کو یاد رکھتے ہیں، اور بڑے ہی نامبارک، بلکہ یوں کہا جائے بدبخت ہیں وہ لوگ جو قرآن کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ یہ بات میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان کی، آپ فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ آدمی جس کے دل میں قرآن نہیں ہے، جسے قرآن یاد نہیں ہے، اس کا دل ایک برباد گھر کی جیسے، برباد گھر جس کی در و دیوار گر چکی ہے، جو برباد گھر جو رہنے کے لائق نہیں ہے، جس طرح وہ برباد گھر ہے ویسا ہی ہر انسان کا دل برباد ہے جس کے دل میں قرآن نہیں ہے۔ کیسے اللہ کی رحمت ایسے دل میں آئے گی، کیسے اللہ کا فضل ایسے دل میں نازل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو دل قرآن کو جگہ دیتا ہے، یا جس دل میں قرآن کو جگہ دی جاتی ہے، ایسا دل بڑا ہی مبارک والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والے، ان کا مقام صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے۔ دنیا میں انسان قرآن کو یاد کر لے گا، لیکن اس کا مقام، اس کی فضیلت انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔
बड़ी मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुना होगा, जब अल्लाह ताला जन्नतियों का फैसला कर देगा, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो जन्नत के अंदर हर शख्स का मकाम तय होगा कि फला ये जगह तुम्हारी है, फला ये जगह तुम्हारी है। लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे जिनकी जगह तय नहीं होगी, उन्हें बुलंद मकाम पर छोड़ दिया जाएगा, ये कोई और नहीं, ये कुरान वाला होगा। अल्लाह ताला कहेगा, साहिब कुरान से कहेगा, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फित दुनिया। अल्लाह कुरान वाले से कहेगा, ये जन्नत है, ये इसकी सीढ़ियां है, ए कुरान वाले तो कुरान पढ़ता जा, सीढ़ी चढ़ता जा, और उसी तरह कुरान को पढ़ना जिस तरह तजवीद के साथ टहर टहर कर तो दुनिया में पढ़ता था। अल्लाह कहेगा, जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी, जन्नत में तेरा वो मकाम आखिरी होगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं ऐसे मुबारक दिलों पर जिन्होंने कुरान की तिलावत को अपने सीने में जगा दी। महतरम हाजरीन, यकीन जानिए कि सहाबा इकराम ने कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत से इस कुरान को जमा करके हमारे पास रखा है। अगर आप देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, यहां तक के काफिर खुद एतराज करते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया तो 22 और 23 साल का अरसा क्यों लगा, कितना बेहतर होता कि एक वक्त में अल्लाह कुरान नाजिल करता, सारे अहकाम एक जगह मौजूद होते, सब उससे पढ़कर हिदायत पा जाते, मगर अल्लाह ने धीरे धीरे कुरान को नाजिल किया। यहां तक के 23 साल का अरसा ये कुरान नाजिल होने हुआ, मुशरिक खुद कुरान को थोड़ा थोड़ा उतरता देखकर परेशान होते कि मुसलमान इतना सारा कुरान कैसे याद रखेंगे, कैसे इस पर अमल करेंगे। महतरम हाजरीन, आप जानते हैं कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो वक्त के एतबार से नाजिल हुआ, जैसे ही कोई हादसा होता कुरान की आयतें नाजिल होती, जैसे ही कोई मामला पेश आता वाकियों के एतबार से कुरान नाजिल होता गया। लेकिन आखिर में कुरान की तरतीब के हवाले से यह बात आपको बता दी गई थी कि आखिरी वक्त में जिस साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था उस साल कुरान की तरतीब को बदल दिया गया था। पहला सूरत सूरह फातिहा है, कुरान की दूसरी सूरत सूरह बकरा है, जबकि सूरह बकरा से पहले 80 सूरतें नाजिल हो चुकी थी और सूरह बकरा नाजिल होने के एतबार से 80/3 83 नंबर की सूरत है। इससे पहले 82 सूरतें नाजिल हो गई थी, लेकिन आखिरकार कुरान की तरतीब ऐसे हुई कैसे। आखिर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिस साल आपका इंतकाल हुआ उसी साल आकर कुरान की तरतीब को बदल दिया। आप जानिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और इंतकाल से सिर्फ 6 महीने पहले कुरान की तरतीब को बदल दिया गया था और सारे सहाबा को कुरान कैसे याद था, पुरानी तरतीब से कुरान को याद था। अक्सर सहाबा, जिन सहाबा का अगर नाम लिया जाए, चारों खलीफा हो, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हो, इब्ने अब्बास हो, इब्ने उमर हो, हजरत अबू हुरैरा हो, मुआज़ बिन जबल हो, उबादा बिन सामत हो, इसके अलावा बेशुमार सहाबा थे जो सब हाफिज़ कुरान थे, और इनको कुरान कैसे याद था, पुरानी तरतीब पर कुरान याद था। नई तरतीब पर कुरान याद नहीं था, अल्लाह के नबी के इंतकाल से 6 महीने पहले पूरी तरतीब को बदल दिया गया। जो आदमी कुरान को याद रखता है वो जानता है कि कुरान की तरतीब को दोबारा याद करना कोई आसान अमल नहीं है। और इसे कौन जानते थे, हजरत जैद बिन हारिसा, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हजरत हफ्सा बिनती उमर रदी अल्लाह अन्हा, ये दो ऐसे मजबूत शख्सियतें थी। अल्लाह के फजल के बाद ये दोनों क्या है, कुरान की आखिरी तरतीब को सही तरीके से जानते थे। यही वजह थी अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर देखने लगे कि कुरान के अलग अलग नुस्खे हैं, कोई नई तरतीब से पढ़ रहा है, कोई पुरानी तरतीब से कुरान को पढ़ रहा है, कोई कह रहा है कि पहली सूरत यह है, कोई कहता है कि नहीं पहली सूरत यह है। हजरत उमर आते हैं, आकर कहते हैं, अबू बकर क्या आप नहीं देखते कि लोग कुरान की तरतीब के मसले में इख्तलाफ कर रहे हैं, लोगों के कुरान के मसले में ऐसे मामलात हो गए, कितना बेहतर होता कि आप कुरान को जमा करने का हुक्म देते और वैसे कुरान को जमा किया जाता जिस तरह आखिरी तरतीब से कुरान नाजिल हुआ था। हजरत अबू बकर कहते हैं, जिस काम को अल्लाह के नबी ने नहीं किया मैं कैसे करूं। हजरत अबू बकर नहीं माने, मगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बराबर हजरत अबू बकर को मनवाते रहे, यहां तक कि आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो जाएं और कुरान को जमा करना शुरू करें। अब सहाबा ने जहां जहां लकड़ी पर इधर उधर लिखा था कुरान को जमा किया जाने लगा और लाकर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास रखा जाने लगा। लोग कहते हैं कि मर्दों ने बहुत सारी खिदमतें की कुरान जमा करने में, जहां एक तरफ हजरत जैद बिन साबित का अल्लाह के फजल के बाद एक बड़ा एहसान इस उम्मत पर है, तो ख्वातीन में हजरत हफ्सा बिनती उमर रजी अल्लाह अन्हा का अल्लाह के फजल के बाद एक बड़ा एहसान इस कुरान को जमा करने में। महतरम हाजरीन, आप देखें कि कितनी तकलीफों से कुरान जमा हुआ, बल्कि ये बात जान लें कि आखिरी तरतीब में अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया, हजरत उमर का इंतकाल हो गया, लंबा अरसा तकरीबन 20 हिजरी के करीब का वक्त हो गया कुरान अभी जमा नहीं है।
قرآن لکھی ہوئی شکل میں نہیں ہے، لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کا جب زمانہ آیا تب حضرت عثمان بن عفان نے قرآن کو مصحف کی شکل دی۔ آج جو کتاب کی شکل ہمارے پاس ہے یہ حضرت عثمان نے بنائی، 7 نسخے بنائے، 7 الگ الگ کاپیاں بنائی، باقی جو قرآن صحابہ کے پاس تھا کہا کہ سب قرآن کو لایا جائے اور سب قرآن کو جلا دیا جائے تاکہ امت میں اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کے 7 نسخے بنائے، آخری ترتیب سے بنائے، باقی ساری نسخوں کو حضرت عثمان نے جلوا دیا۔ اب یہ 7 ہی نسخے ہیں اور صحابہ کو قرآن یاد کرنا ہے، تابعین کو قرآن یاد کرنا ہے، آپ تصور کیجئے کہ صرف 7 کاپیاں ہیں، اس کے بعد بھی اکثر تابعین کو قرآن یاد تھا۔ کیسے؟ صحابہ نے، تابعین نے ایک دوسرے سے سن سن کر قرآن یاد کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی معمولی خدمت تھی؟ آئے کوئی آدمی چیلنج کر کے دکھائے کہ کسی سے میں سن کر قرآن یاد کروں گا، مگر صحابہ کی زندگیاں وہ تھی جنہوں نے قرآن کو سن سن کر یاد کیا۔ محترم حاضرین، حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کے مسئلے میں سب سے بہترین حافظ تھے۔ انہوں نے قرآن کو کیسے یاد کیا؟ صحابہ سے سن سن کر یاد کیا۔ پڑھنے کے لیے کوئی مصحف نہیں تھا، پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو انہوں نے اپنی محنت کے پیسے سے کچھ اوراق منگائے، ایک قلم منگایا، اور جو قرآن یاد تھا اس کو لکھنے لگ گئے، اس کو لکھنے لگ گئے۔ اب یہ کیا کرتے؟ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ علیہ قرآن کو لکھتے، اور وقت کے سب سے بڑے عالم بلکہ تابعیوں کے سردار سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس لکھے ہوئے نسخے کو بھیجتے اور کہتے کہ آپ ایک مرتبہ چیک کر لیں کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ اس طرح کرتے کرتے حضرت سعید بن مسیب نے پورا مصحف اپنے طور پر لکھا، حضرت قتادہ نے پورا مصحف لکھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب ان کو دیکھتے کہ ان کے ہاتھ کانپا کرتے، لکھنے میں بڑی دشواری تھی۔ پوچھا کہ آپ قرآن کے لکھنے میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے کہ ہم نے تو جیسے تیسے اس قرآن کو یاد کیا، میرے اولاد کا کیا ہوگا، وہ قرآن کو کیسے یاد کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جتنی محنت سے ہم نے سن کر قرآن یاد کیا ہے میری اولاد ویسے یاد کر سکتی ہے۔ جانے سے پہلے کم از کم قرآن کا ایک نسخہ ان کے پاس چھوڑ کر جاؤں جسے دیکھ کر وہ قرآن کو یاد کر سکے، ان کے لیے میں قرآن لکھ رہا ہوں۔ محترم حاضرین، کیا یہ محنتیں کم ہیں؟ کیا یہ قربانیاں کم ہیں؟ بلکہ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ اپنی عمر کے بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، قرآن پڑھا کرتے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے عقل میں فتور آتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں قرآن کو پڑھا کرتے، قرآن کو پڑھتے پڑھتے زبان اٹک جاتی، کوئی آیت بھول جاتے، زور زور سے رونے لگتے۔ تو لوگ کہتے کہ آپ تو بزرگ ہیں، جوان کے بچے جو نئے عمر کے ہیں وہ قرآن میں غلطی کرتے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی تو کیا بڑی بات ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے کہ یقیناً قرآن کا بھولنا، قرآن کا یاد کرنے کے بعد بھولنا یہ گناہ ہے، اور کہا کرتے وما ربک بظلام للعبید، کہ بے شک میرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کو میں غلط پڑھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں قرآن کو بھول رہا ہوں، لہذا اسی گناہ کی معافی کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہوں۔ محترم حاضرین، یقیناً سلف صالحین نے بڑی عظیم الشان قربانیاں پیش کی جو قربانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کے مسئلے میں کتنی محنت کی۔ قرآن لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھا، پھر بھی صحابہ نے یاد کیا، تابعین کے پاس مصحف نہیں تھے، پھر بھی یاد کیا، اور اپنے اولاد کو یاد کرنے کے لیے تکیے کیا ہے، بہت سارے نسخے خود بنا دیا۔ بلکہ قرآن کو دیکھنا، یہ قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ بس قرآن کو کھول کر دیکھیے، یہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صرف قرآن کو دیکھنا، پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن مصحف کھول کر دیکھیں گے یہ بھی عبادت ہے۔ امام نووی نے کہا النظر الی المصحف عبادہ، امام غزالی نے بھی اسی بات کا اقرار کیا۔ محترم حاضرین، اگر بات قرآن کی تلاوت کی جائے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے قرآن کو یاد کیا، لیکن کیا یاد کر کے صرف سینوں میں رکھا یا قرآن کی برابر تلاوت کیا کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھا کرتے ہیں، نمازیں اتنی لمبی پڑھتے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے۔ آپ نمازوں میں کیا پڑھتے؟ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کیے گئے، اور یہی روش اور یہی عادتیں صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے ایسے ہیں، قرآن کو سنتے ایسے ہیں جیسے کوئی عام کتاب ہے، کوئی قصے کہانیاں یا کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے، نہ اس پر غور کیا جاتا ہے، نہ پڑھنے والا غور کرتا ہے، نہ سننے والے اس پر غور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رات میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں۔
एक ही आयत है जिसे अल्लाह के नबी बार बार दोहरा रहे। कुरान की वो आयत क्या थी, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक। कुरान में आप इस आयत की तिलावत बार बार कर रहे थे, बल्कि उस रात में जितनी भी रकातें अल्लाह के नबी ने पढ़ी, सारी रकातों में सिर्फ एक ही आयत को अल्लाह के नबी ने पढ़ा और बार बार इसी आयत को पढ़ते। वह आयत क्या है, इन तुअज्जिबहुम फइन्नहुम इबादुक। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको सजा देना चाहे तो ये सब तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू इनको माफ करना चाहे, बेशक तेरी जात अजीज है, बेशक तेरी जात हकीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही आयत को बार बार तिलावत करना, सारे तहज्जुद में तिलावत करना, ये बात बताता है कि अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत को बड़े एहतमाम से किया करते, उसके माने को समझा करते, उसके मफहूम को समझा करते। बल्कि हजरत तमीमद्दारी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी आता है कि मकाम इब्राहिम के पास खड़े थे, रात में खड़े हुए पूरी रात इन्होंने नमाज पढ़ी और पूरी रात में सिर्फ एक आयत को पढ़ा। कौन सी आयत पढ़ रहे थे, अम हसिबल्लजीन अश्तरहु सय्यात अन नजअलहुम कल्लजीन आमनु वअमिलुस सालिहात सवाउन महयाहुम वममातुहुम सा मा यहकुमून। अल्लाह ताला कहता है, क्या इन लोगों ने गुमान किया, जो लोग गुनाह करते हैं, क्या ये लोग गुमान करते हैं कि हम इनको नेक लोगों के साथ बना देंगे? बड़ा ही बुरा फैसला करते हैं, इनका जिंदा रहना और इनका मर जाना दोनों अल्लाह के पास बराबर है, कितना बुरा ही ये फैसला करते हैं। इस एक आयत को तमीमदारी रजी अल्लाह अन्हु बार बार दोहराया करते हैं। मोहतरम हाजरीन, इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तीन चीजों में असल में दिल के अंदर लज्जत रखी गई है। तीन चीजें ऐसी हैं जिनके तिलावत करने से, या यूं कहिए जिन अमल को करने से इंसान को खुशी मिलती है और उसके दिल के अंदर इत्मीनान और सुकून आता है। सबसे पहले नमाज के जरिए एक मोमिन को सुकून मिलता है, कुरान की तिलावत के जरिए एक मोमिन को सुकून मिलता है, और जब वो अल्लाह का जिक्र करे तो उसके दिल को सुकून मिलता है। तो एक शख्स ने पूछा कि अगर कोई नमाज पढ़े, अगर कोई कुरान की तिलावत करे, कोई अल्लाह का जिक्र भी करे, फिर भी दिल को सुकून ना मिले, तो इमाम हसन बसरी कहते हैं तो ऐसे आदमी को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ने अपने रहमत का दरवाजा इस पर बंद कर दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा इस पर बंद कर दिया है कि वह नमाज जिसके बारे में अल्लाह के नबी कहा करते थे, ऐ बिलाल अजान दो और इस नमाज के जरिए हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। कुरान के बारे में अल्लाह कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि इस कुरान की तिलावत के जरिए दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करने वाला अल्लाह ताला के नजदीक जिंदा है, और जो आदमी अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो मुर्दे के मानंद है। ये सारी हदीसें कुरान की आयतें सही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी आदमी को नमाज के ना सुकून मिलता है, ना कुरान की तिलावत के जरिए सुकून मिलता है, ना अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, तो कहीं मान लीजिए कि अल्लाह ने अपने रहमत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सलफे सालिहीन के किस्से सुने, मैंने सलफे सालिहीन को देखा है, और कहते हैं कि सलफे सालिहीन की सीरत को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि एक मोमिन का ताल्लुक कुरान से ऐसा ही है जैसे एक मछली का ताल्लुक पानी से होता है। अगर किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए, कितना वक्त वो जिंदा रह सकती है, कितना वक्त वो हयात मुस्तार पर रह सकती है, वैसा ही हकीकी तौर पर एक मोमिन का ताल्लुक कुरान से है। हफ्ते गुजर जाएं, महीने गुजर जाएं, और वो कुरान को ना देखे, ना तिलावत करे और अपने आप को मोमिन समझे, इससे बढ़कर धोखे में और कोई मुबतला नहीं है। हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु घर में बैठकर कुरान की तिलावत करें, सबाई आपके घर में घुस कर आए, लोगों ने तलवार खींच ली, हजरत उस्मान से कहते हैं खिलाफत को छोड़िए वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा, मुसहफ से रोक दिया गया, कुरान पढ़ने नहीं दिया गया, बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। हजरत नाइला जो अंदर थी, हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह उनकी बीवी थी, अंदर से थी, वो हजरत उस्मान के चेहरे पर बेचैनी को देख रही थी, वो हजरत उस्मान के चेहरे पर बेचैनी को देख रही थी, वो समझ रही थी कि हजरत उस्मान बेचैन हो रहे हैं। अब वो जानती थी कि बेचैन क्यों हो रहे हैं, क्या मौत की डर से हो रहे हैं या किसी और चीज की वजह से हो रहे हैं। सबाई गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदर से बीवी चिल्ला कर कहती है कि तुम क्या नहीं देखते कि हजरत उस्मान बेचैन है, क्योंकि कभी भी वो ज्यादा देर कुरान से दूर नहीं रहते। सबाइयों ने आया मौत की धमकी दी, हजरत उस्मान को मौत से डर नहीं था, लेकिन वो कुरान की तिलावत से जो उन्हें रोक रहे थे उस तिलावत ना करने की वजह से उनको बेचैनी हो रही। यहां तक कि बीवी ने कहा इस इंसान को या तो कुरान पढ़ने दो या इसे कत्ल कर दो, इनका इतना बेचैन इनको मैं नहीं देख सकती। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए ऐसी जिंदगियों से जिन्होंने कुरान की तिलावत को अपने दिल में ऐसी जगह दी, और यही सहाबा इकराम थे, यही सहाबा इकराम थे। इसलिए इमाम इब्ने तैमिया ने कहा कि कुरान का ताल्लुक एक मोमिन से कैसे होना चाहिए, जैसे मछली
बिजली का ताल्लुक पानी से होना चाहिए। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हिदायत से उन लोगों को नवाजे। रमज़ान का महीना है, ना फजर में, ना जोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ना कुरान की तिलावत तरावी में। लोग ना कुरान की तिलावत करते हैं, ना कुरान को गौर सुनते हैं, और इसके बाद भी कहते हैं हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि ये दुनिया धोखे की जिंदगी है। शैतान बताता है कि तुम्हारी नमाजें तुम्हें अल्लाह के पास कामयाब करेंगी, जबकि नमाजें तुम्हें अल्लाह के पास बचा नहीं सकती। ये रोजे, ये चेहरे, ये तुम्हारी दाढ़ियां, ये दीन की खिदमत, ये तुम्हें अल्लाह के पास रुस्वा करने से नहीं बचा सकती, इल्ला के जिस पर अल्लाह ताला रहम करें। क्या लगता है कि जो लोग ना कुरान की तिलावत करते हैं, रमजान का महीना आने के बाद कुरान से ना लगाव लगाते हैं, ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे? सहाबा वो थे जिन्होंने कुरान से ऐसा ताल्लुक बनाया, और यकीन जाइए सहाबा इकराम को इसी वजह से ऐसी फजीलतें बख्शी गई। अगर कोई आदमी अपने आप को भी उन मुकद्दस हस्तियों में बनाना चाहता है, कुरान से वो ताल्लुक कायम करे, कुरान से वो रिश्ता निभाए जो रिश्ता सहाबा ने, सलफ सालीन ने कुरान से निभाया था। मोहतरम हाजरीन, जहां तक कुरान सीखने सिखाने की बात की जाए, सीखना सिखाना सबसे अफजल कामों में से। अल्लाह के नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, वो इंसान इस रूए जमीन में सबसे बेहतरीन इंसान है जो कुरान को खुद सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। यही वजह है कि सहाबा इकराम में से कितने ऐसे सहाबा थे जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी ओहदों से नवाजा, बड़े बड़े मनसब अता किए, मगर सहाबा इकराम जानते थे कि कौन सी चीज उनको आखिरत में फायदा पहुंचाने वाली है। हजरत इमाम बुखारी ने अब्दुर्रहमान सुलमी से ये रिवायत को नकल किया है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बड़े मशहूर सहाबी हैं, इनके बारे में जिक्र आता अब्दुर्रहमान सुलमी के बारे में, कहा कि अब्दुर्रहमान सुलमी हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि तुम फला फला जगह चले जाओ और जाकर कुरान की तिलावत करो, कुरान को सिखाया करो। अब्दुर्रहमान सलमी बड़े हाफिज कुरान थे, बड़े अच्छे कारी थे, लिहाजा हजरत उस्मान ने उनको मस्जिद नबी के अंदर एक जगह अता की, कहा यहां बैठकर तुम सहाबा के बच्चों को और ताबईन के बच्चे को कुरान सिखाना। हजरत अब्दुर्रहमान सलमी रहमहुल्ला के बारे में आता है कि जब इन्होंने कुरान की तिलावत और कुरान की तदरीस का काम शुरू किया तो हजरत उस्मान का जमाना खत्म हो गया, इसी तरह हजरत अली का जमाना खत्म हो गया, बल्कि जमाना हज्जाज बिन यूसुफ का आया और उस कुर्सी को नहीं छोड़ा, उस जगह को नहीं छोड़ा। बताया जाता है तकरीबन 50 साल से ज्यादा उन्होंने मस्जिद नबी में बैठकर कुरान की तालीम सिखाई। ये सहाबा थे, ये ताबईन थे, इनको कुरान की अहमियत पता थी। बल्कि सहाबा अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह अनु के बारे में आता है कि इन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत उमर ने इनको बसरा का अमीर बनाया, कोई मामूली साहबी नहीं, बड़े अदीम शान साहबी थे, इनको बसरा का अमीर और गवर्नर बनाकर भेज दिया, गोया सारा बसरा इनके अंडर में है। ये गए और बसरा की बड़ी जामे मस्जिद देखी और जामे मस्जिद देखकर मस्जिद में जाकर बैठ गए और हजरत अनस बिन मालिक से कहा कि तुम हुकूमत संभालो, अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। तकरीबन एक साल का ज्यादा अरसा गुजर गया, हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा को बुलाकर भेजा कि एक साल भर आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी है, इसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। हजरत अबू मूसा अशरी बच्चों को कुरान सिखा रहे थे, हजरत अनस से कहा कि साल भर आपने तो हुकूमत संभाली है, जाइए और हजरत उमर के पास जाकर सारी रिपोर्ट दीजिए। अब हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु हजरत उमर के पास आते, हजरत उमर उनसे सवाल करते हैं कि बताओ तुमने अपने खलीफा को, अपने गवर्नर को कैसे पाया? तो हजरत अनस हंसने लगे, कहा कि आपने हजरत अबू मूसा को हमारा गवर्नर बनाकर भेजा, एक दिन कुर्सी पर बैठते हैं, दूसरे दिन उन्होंने मस्जिद में देखा कि कुछ बच्चे कुरान सीखना चाह रहे हैं, मुकम्मल साल हो चुका है, वो ना ऑफिस में आते हैं, ना उन्हें हुकूमत से कोई लगाव है, बल्कि वो बैठकर मस्जिद में बच्चों को सिर्फ कुरान सिखाते रहते हैं। तो हजरत उमर हंसने लगे और कहने लगे कि अबू मूसा बड़े चालाक हैं, हमने उनको दुनिया दी और उन्होंने अपने लिए आखिरत चुनी, हमने उनको दुनिया की गद्दी दी ताकि हुकूमत संभाले, मगर हजरत अबू मूसा जानते हैं कि कुरान को सिखाना ये आखिरत को कमाना है, हमने उन्हें दुनिया का मालिक बनाना चाहा और उन्होंने अपने नफ्स को आखिरत वाला बनाया। यकीनन ऐसी अजीम हस्तियां थी। मोहतरम हाजरीन, यही वजह है, यही वजह है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चों को सबसे पहले जो इल्म हासिल करना चाहिए वो कुरान का इल्म है। अगर माँ बाप बच्चों को दुनियावी तालीम सिखाते हैं, दुनियावी तालीम में आपका बच्चा माहिर है लेकिन कुरान की तिलावत उसे करना नहीं आता, कुरान की तफसीर नहीं पढ़ना आता, तो इमाम नववी कहते हैं कि ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के हक को सही से अदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कयामत के दिन पकड़ेगा हर ऐसे बाप को, हर ऐसी माँ को पकड़ेगा जिनके औलाद की जिम्मेदारी अल्लाह ने माँ बाप को दी लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कुरान की तालीम को सबसे पहले उन्हें नहीं दिया। मोहतरम हाज़रीन, बल्कि सलफ़े सालिहीन के बारे में आता है, इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब भी मजलिस में लोग इल्म हासिल करने के लिए आते, लोग मजलिस में इल्म हासिल करने के लिए आते तो इमाम औज़ाई आने वाले से खड़े होकर पूछते, कहते क्या तुम कुरान के हाफिज हो, पूछते तो क्या तुम कुरान के हाफिज हो, कहता नहीं तो मजलिस से भगा देते।
कहते कि तुम हदीस का इल्म हासिल करने आए हो, तुम फिक्र का इल्म हासिल करने आए हो, और तुम्हें कुरानी याद नहीं है। सहाबा और सलफ़े सालीन का यह तुर्र इम्तियाज था कि जो आदमी कुरान को नहीं हासिल करता उसे दूसरा इल्म हासिल करने की इजाजत नहीं देते थे। कहते सबसे पहला इल्म जो वाजिब है जिसे हासिल करना वो कुरान का इल्म है, लिहाजा मजलिस उसे भगाया करते, जाओ पहले कुरान याद करो उसके बाद हदीस को पढ़ना। आज हम चाहते हैं कि दरसो दुरूस किए जाए, बार बार खुतबे दिए जाए, लंबे लंबे दरस हो, लेकिन क्या सच में हमारे से कितने ऐसे हैं जिन्होंने कुरान में दिल को भी जगा दिया? ये शरीयत की तालीम का इल्म नहीं है। शरीयत के हजार मसाइल पता है, नमाज के मसाइल पता है। कितने ऐसे नौजवानों को देखा है कि बड़े बड़े मसले में गुफ्तगू करते हैं, देखा जाए तो एक पारा भी ऐसे लोगों को कुरान याद नहीं रहता। यकीनन ये इल्म मुबारक नहीं है। आपको कुरान का इल्म नहीं है, कुरान क्या है आपके दिल में मौजूद नहीं है, लेकिन हर बड़े मसले को जानते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सलफ़े सालिहीन का ये तुर्रे इम्तियाज कभी नहीं था। सहाबा इकराम उमर बिन खत्ताब का जमाना था, बहुत ज्यादा गनीमत का माल आया तो सहाबा खुश हो गए और आकर कहने लगे, अरे अमीरुल मोमिनीन, इतना खजाना देख कर तो लगता है ये तो अल्लाह का कितना फजल है। तो हजरत उमर ने रोकते हुए कहा कि अगर दुनिया में अल्लाह का कोई फजल है तो वह सिर्फ कुरान है। दुनिया में अगर कोई अल्लाह का फजल है तो वह कुरान है। ये माल अल्लाह का फजल नहीं है, ये माल फितना है। क्या कहते हैं? ये माल फितना है। मुहतरम हाजरीन, बेशुमार बातें हैं। ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक का महीना, इस रमज़ान के महीने को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक कुरान से। अगर कोई आदमी इस रमज़ान के महीने में भी कुरान से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ता है, चाहे नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, वो रमज़ान वाला कभी नहीं बन सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान की अहमियत को समझ कर, सलफ़े सालिहीन की कुर्बानियों को समझ कर, हम सब को कुरान को सीखने, उसे याद करने, उसके मफहूम को समझ कर और कुरान की तफसीर को सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर करने वालों में से बनाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़न्ब फस्तग़फिरू इन्नहू हुवल ग़फूरुर रहीम।